देखिए, आई थिंक इस पूरे इलाके में सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बहुत ही पीसफुल चल रहा है। साथ ही साथ काफ़ी सारी यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। लोगों का काफ़ी फेथ भी है ऑन द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, एंड वी कैन सी दैट लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। दो मोर नीड्स टू बी डन, बट स्टिल आई थिंक द डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। ओके, जैसा कि आपने खुद ही पिछले 2 दिनों में देखा होगा, मच्छल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, काफ़ी दूर इलाका है, मेन लैंड से मेन वैली से काफ़ी दूर है, एंड लोगों को काफ़ी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो हमारा ये एम था कि यहाँ पर एनसीसी लाएं, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को भी पता चले कि एनसीसी क्या होता है, एनसीसी का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इन नेशन बिल्डिंग एंड इन एम्पावरिंग द यूथ, एंगेजिंग द यूथ एंड गिविंग यूथ सम स्किल सेट्स। तो इसके लिए हमने ये फर्स्ट टाइम एवर एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया मच्छल बाउल में, जिसमें 68 सीनियर डिवीजन कैडेट्स आए नॉर्थ कश्मीर से, फ्रॉम सोपोर, लंगेट, हंडवारा, बारामूला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, तंगधार, यहाँ से आए, एंड दे स्टेड अस फॉर 7 डेज़। उसके अलावा हमारे अपने जो मच्छल बाउल के बच्चे थे, 75 ऑफ देम, वो एज अ डे बोर्डर आए, जिसमें कि 8 गर्ल्स भी थी, एंड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर गर्ल्स ऑल्सो अटेंडेड द एनसीसी कैंप। तो इससे हमारे इलाके के बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। इनफैक्ट आफ्टर दिस वी विल टेक देम टू अटेंड द कैंप्स विच आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इट वॉज अ ग्रेट मेजर, एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस। देखिए, फर्स्टली दिस बीइंग अ बॉर्डर एरिया, अ डिफ़िकल्ट एरिया एंड इन अ हाई एल्टीट्यूड एरिया, सो यहाँ पर क्लाइमेटिक मुश्किलात बहुत हैं, एंड यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो हमारे लोकल पॉपुलेशन है और आर्मी है, उन दोनों का काइंड ऑफ जीने मरने का साथ है। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लाइक हर दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ हैं। एज रिगार्ड इवन एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो कंसर्न, जैसे हमारे पास जो डिफेंस पोर्टर्स हैं, जो कैजुअल पोर्टर्स हैं, हमारे जो बिजनेस हम देते हैं, या आर्मी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम देते हैं, या जो हम लोकल मटेरियल ख़रीदते हैं, वो सब हम अपने लोगों से ख़रीदते हैं, जिससे कि उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, और साथ ही साथ उनका भी सपोर्ट आर्मी को मिलता रहे। एंड हमारे लोकल्स, जो मच्छर इलाके के लोकल्स हैं, दे आर वेरी टोटली इन सिंक विद द आर्मी, दे फुल्ली सपोर्ट द आर्मी, एंड वी हेल्प ईच अदर, एंड वी हेल्प ईच अदर थ्रू ऑल द डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑल्सो। लाइक जैसे आपको पता होगा कि ये इलाका 6 मंथ्स तक स्नो बाउंड रहता है, स्नो पूरा स्नो से ढका रहता है, रोड्स का इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, एंड वी लिव टुगेदर इन एब्सोल्यूट हार्मनी, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर एरिया। सीज फायर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो दैट इज़ होल्डिंग, एंड राइट नाउ दे आर नो सीज़ फायर वायलेशन फ्रॉम इधर साइड, सो राइट नाउ द सीज़ फायर इज़ इन वोक। सी, इंडियन आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है ऑन द बॉर्डर, एंड वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज, एंड द आर्मी इट्स सोल्जर्स आर स्टेडफास्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन, एंड वी आर फुल्ली रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। टू द यूथ आई वुड से दैट यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सो यूथ्स शुड स्टडी वेल, दे शुड एजुकेट
themselves well. They should give back to the society. They should serve the society. They should listen to the parents. They should respect the elders. They should take up the social causes of environment, drug re-addiction, and many such causes. And they should positively contribute towards the development of the society.